गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में आप अपने आप को एज एन एडवोकेट कैसे एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट फेस करते हैं ये प्रॉब्लम कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कैसे रजिस्ट्रेशन हम फाइल करेंगे। तो आज मैं उसी प्रोसेस के बारे में आपको बताऊंगा, बट ये चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या चाहिए, मे बी चेंज, डोंट इस पर स्टिक ना रहे इस वीडियो पर, पर मोस्ट प्रोबेबली 95% 92.5% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है जो आपको हेल्प करेगी रजिस्ट्रेशन करने के लिए बार काउंसिल ऑफ राजस्थान। तो सबसे पहले क्या करें आप, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में पहले ये लिखें रजिस्ट्रेशन में बार काउंसिल जो भी लिखा है, राजस्थान किसी भी स्टेट का हो, हर स्टेट का मोस्टली प्रोसीजर सेम ही होता है, इतना चेंज नहीं होता। तो पहले क्लिक करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर। जैसे ही आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो दे विल आस्क यू अ फ्यू इन्फॉर्मेशन, आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेंगे। आप सिटीजन हो इंडिया के या राजस्थान के हो, किस डिस्ट्रिक्ट से, कहीं से भी, जैसे मैं जयपुर क्लिक कर लेता हूँ। नेक्स्ट देन आपकी वो कैटेगरी पूछेंगे कि कैटेगरी आपकी क्या है। कैटेगरी से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जनरल ओबीसी फीस सेम है, और SC ST में भी इसमें कुछ डिफरेंस हो या चेंज हो, पर मैं अभी जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेम ऑफ द कैंडिडेट लिख देता हूँ, एक्ट कुछ भी अभी लिख देता हूँ मैं, पुनीत सिंह। देन फादर्स नेम पुट कर देता हूँ, फादर्स नेम पुट कर दिया मैंने। नाउ जेंडर मेल फीमेल, तो चेंज करना है तो मिसेस को फीमेल करना है, देन मिसेस, सो ये आपका जेंडर चेंज हो जाएगा। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी। मैं कुछ भी सेलेक्ट, ये मैंने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। अब यहाँ पर आपको एड्रेस भरना फिलअप करना पड़ेगा, तो मैं एक डमी की तरह फिल कर देता हूँ। ए लेन दुर्गा पुरा, Line 3 HIG हाई सिटी जयपुर, डिस्ट्रिक्ट जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपकी वो फिल कर दें। देन पिन कोड फिल करता हूँ 3 0 3 0 4। नाउ अगर आपका ये एड्रेस सेम है, करस्पॉन्ड एड्रेस से मिलता जुलता है, तो आपको टिक करना है। अगर नहीं है तो आप अपना परमानेंट एड्रेस अगर डिफरेंट है तो वो टिक करें। देन नेक्स्ट, अभी इधर आप अपना फोन नंबर फिल कर दें। मैं इस पार्ट को थोड़ा अभी हाई कर रहा हूँ कुछ टाइम के लिए। फ़ोन नंबर और अपने फिल कर दें जो भी डिटेल्स हैं सारी की सारी। अभी अभी प्रीवियसली मैंने इसके अंदर अपना मोबाइल सेलफोन नंबर लिखा, मोबाइल नंबर। तो सेकेंडली मैंने इसके अंदर फिल किया अपना ये मेल आईडी। अब आप कौन सी जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेरी लोकेशन जयपुर है, तो मैं जयपुर फिल कर देता हूँ, चौमू दूरी, बट मैं जयपुर जयपुर क्लिक करता हूँ। मेन LLB फाइनल ईयर कब कंप्लीट हुआ, इसमें अपना ईयर लिख दीजिए, 2022 है तो 22, 21 है तो 22, और इधर अपना पासवर्ड मेंशन कर दीजिए। मैं इधर अपना पासवर्ड मेंशन कर रहा है, आर यू विलिंग टू रिसीव SMS, हाँ इसको टिक कर दीजिए। आपका जो पासवर्ड रहेगा वो 8 करेक्टर रहेगा, पर स्पेशल करेक्टर बोथ लोअर एंड अपर केसेस आर, मतलब आपको इसमें कैपिटल लेटर भी लिखना है, नो नॉट कैपिटल लेटर, वन स्पेशल कैरेक्टर रहेगा, जैसे @ हो गया, अपर केस का मीन्स कैपिटल लेटर भी हो गया। तो ये अपना फॉर्म कर लें। मैंने अभी इसको चेक किया और इस पर फिल कर दें, क्योंकि आपको सारी डिटेल्स और मैसेजेस आते रहेंगे जैसे जैसे आपका जो भी अपडेट रहेगी, मैसेजेस आएंगे आपकी जो फाइल है अभी कहाँ तक प्रोसीड हो चुकी है और कहाँ तक पासवर्ड आएगा, और आप नेक्स्ट लिंक पर जाकर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट लिंक पर जाने के लिए आपको लोगों को टाइप करना पड़ेगा, क्या टाइप करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको टाइप करना पड़ेगा एनरोलमेंट लॉगिन फॉर दिस बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, ये आपको इधर करना पड़ेगा। अब इस पर मैं
लिंक पर क्लिक करता हूँ। लिंक पर क्लिक करते ही वो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछेंगे। वो यूजर नेम आपके सेलफोन पर मैसेज के थ्रू आ चुका होगा, आप वहाँ पर जाएं और देखें। और पासवर्ड जो आपने फिल किया था वो आपको आपके सेलफोन पर मैसेज आएगा, जहाँ पर आपको अपनी मेल आईडी जो दिया था उस पर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन करने के बाद आपको यूजर नेम डेवलप होगा और पासवर्ड आपका वही सेम टू सेम रहेगा। अब मैं सारी की सारी डिटेल्स फिल करें। अब डिटेल्स आपको कौन कौन सी फिल करनी है मैं आपको बता देता हूँ। आपको डिटेल्स, आपको 10th की, इधर ही लिखा हुआ है कि प्लीज एंटर एंड अपलोड ऑल द डिटेल्स क्वालिफिकेशन डिग्री, यानी आपको सेकेंडरी मीन्स 10th क्लास, 10th स्टैंडर्ड, सीनियर सेकेंडरी मीन्स 12th स्टैंडर्ड, ग्रेजुएशन मीन्स, ये चीज़ याद रखना, ग्रेजुएशन ईयर वाइज और सेमेस्टर वाइज। अगर ग्रेजुएशन की आपकी ईयर वाइज है तो ईयर वाइज करें, अगर सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने फाइनल ईयर की अपनी डिग्री अपलोड करनी। ऐसी लॉ की डिग्री आपको ईयर वाइज करनी पड़ेगी और सेमेस्टर वाइज करनी पड़ेगी। अगर सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज, और बाकी कोई अगर कोर्सेज आपने की। एक मैं डमी दिखा देता हूँ कैसे फिल करते हैं। ऐड मोड से आप जितने नंबर ऑफ टाइम ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करो, पर याद रखना कि फर्स्ट आपको स्टार्ट करना है किससे, सीनियर सेकेंड। सीनियर सेकेंडरी की आप कोई सी भी बोर्ड से मैं ले लेता हूँ, CBSE, सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन। एग्जामिनेशन नेम, अब 10th में तो कोई एग्जामिनेशन नेम हमारा जो भी मार्कशीट में होगा ऑल इंडिया करके होगा, ऑल इंडिया सीनियर सेकेंडरी, जो भी आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ है वो आप देखें। पासिंग ईयर कब का है, जो भी आपका पासिंग ईयर है वो मैं पुट कर देता हूँ। देन रोल नंबर पुट कर देता हूँ, जो भी आपका रोल नंबर आया था उस टाइम में। स्कूल नेम, जो भी आपका स्कूल नेम है, स्टेट कहाँ से किया है, मेरा राजस्थान था तो मैं राजस्थान पुट कर देता हूँ। मीडियम इंग्लिश, हिंदी आपको मीडियम क्या रहा था, तो ये सेम टू सेम डिटेल्स आपसे पूछेंगे। डिवीजन इज फर्स्ट डिवीजन, मार्क्स ऑब्टेन 329, 500, परसेंटेज ऑटोमेटिक, ये अभी सेव हो गया आपका 10th की। अब नेक्स्ट फिर ऐड मोर करना है, ऐड मोर करने के बाद आपको फिर 12th की पुट करोगे, 12th की मार्कशीट आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये अपलोड करते वक्त याद रखना कि आपकी जो अपलोड फाइल रहेगी वो 150 KB to 1 MB रहेगी, इससे ज़्यादा हुई तो वो अपलोड नहीं करेगा। तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं ऑनलाइन, आप ऑनलाइन जाए और इसको अपलोड करें, फाइल चूज करें, कोई तो भी फाइल रहेगी उस फाइल को चूज करके इसमें अपलोड करें। बस ऐसे करके आपको अगर 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है और जो भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। जैसे ही आपको अपलोड कर दोगे ये कंप्लीट हो जाएगा। और नंबर्स, अब क्वालिफिकेशन डिटेल्स हो गया हमारा, अब अदर डिटेल्स, तो नाउ दे आर आस्किंग फॉर ईयर ऑफ LLB, 2 year और 3 year, अर्लियर इट वॉज 2 year, तो नाउ 3 year, इफ इट इज 5 year और 3 year, वॉट एवर इज योर, आपकी जो भी LLB किस कितनी ईयर में हुई है, मीडियम इंग्लिश, इंग्लिश ही होता है और हिंदी जो भी है, ईयरली थी, सेमेस्टर थी वो करें, प्राइवेट स्टडी थी या रेगुलर, और नंबर ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप क्या क्या इनक्लोज कर रहे हो, तो इसको आइडिया आपको लग जाएगा। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सेमेस्टर के सारे काउंट करना, 1, 2, 3, उनको टोटल करके आपको इधर फिल करना है, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। नेक्स्ट अदर डिटेल्स में आपसे पूछेंगे कि आपका बिजनेस तो है, आप एप्लीकेशन, आपने पहले ही एप्लीकेशन अप्लाई, प्रीवियसली एप्लीकेशन अप्लाई की है या नहीं की है, कि आप जुडिशियल ऑफिसर या मतलब जनरल की है, आपके अगेंस्ट केस तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद आप सेव कर दीजिए। अब आइए अपलोड कर, अपलोड में अपना जो भी फोटोग्राफ्स है वो फोटोग्राफ का डायमेंशन 450x450 और इसमें भी कुछ नंबर ऑफ MBs का रहेगा, तो वो आप चेक कर लें कि आपको कितना MB का रिक्वायरमेंट है, क्या डाटा है। अभी हो जाने के बाद फिर फॉर्म सबमिट में आएंगे। ये फाइनल फॉर्म सबमिट करने से पहले ध्यान रखें, प्रीव्यू ले लें, अपनी पूरी डिटेल्स देख लें और सारी चीज़ फिल करनी है, 10th, 12th, ग्रेजुएशन आपकी 12th, इस चीज़ में ये भी डिग्री डिटेल्स में आप यहाँ पर अपनी डिग्री जो मिली है ना ग्रेजुएशन में, तो वो डिग्री भी इसमें अपलोड करें, ग्रेजुएशन में सेमेस्टर जो कुछ भी चीज़ है फुल पूरा इसमें अपलोड कर दें।
और फिर उसके बाद पूरा चेक करके फिर ऑनलाइन पेमेंट करें। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद फाइनल सबमिट करें। फाइनल सबमिट होने के बाद आपको एक पूरा फॉर्म आ जाएगा। उस फॉर्म के साथ आपको क्या करना है, ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन अप्लाई किए हैं वो सारे के सारे आपको कॉपी उनकी कॉपीज लगानी है, उन सबकी कॉपीज लगानी है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। कौन सी? सेल्फ अटेस्ट यानी खुद साइन किए हुए आपको कॉपीज लगानी पड़ेगी। और ये कॉपीज लग जाने के बाद उस फॉर्म के अंदर कुछ फॉर्मेलिटीज रहती हैं। फोटो रहेगा आपको, फोटोग्राफ रहेगा, उसको नोटरी से या किसी से वेरीफाई चेक कर लेना, उसमें राइट डाउन आएगा वेरीफाई थ्रू नोटरी या जो भी है। और टू एडवोकेट्स हैविंग मोर देन 5 ईयर एक्सपीरियंस। दो एडवोकेट्स जिनको मोर देन 5 ईयर्स आई थिंक सो, ये अपडेट भी हो सकता है, 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो आपको एज अ गुड कैरेक्टर का एक फॉर्म आएगा वो फिल करना पड़ेगा। और एक फॉर्म और आएगा एफिडेविट पर, जिसको शपथ पत्र बोलते हैं। एफिडेविट पर आपको वो पूरा का पूरा प्रॉमिस जो है वो लिखना पड़ेगा, वो सारे वो टाइप करवा लें, नोटरी से वेरीफाई करवा लें, ये सब स्टिक करके, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स स्टिक करके फिर आपको क्या करना होगा, उसको कुरियर करना होगा। कुरियर आप कुछ भी ले सकते हैं, गवर्नमेंट से भी भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड ईडी से भी सेंड कर सकते हैं, इवन प्राइवेट से भी कुरियर से। जैसे ही आप सेंड करेंगे आपके पास एक विंडो आना स्टार्ट हो जाएगी, इधर बोलेगी जैसे ही उनको रिसीव्ड होगा इधर आएगा ऑन दिस डेट वी हैव रिसीव्ड योर डॉक्यूमेंट। जैसे ही रिसीव होंगे डॉक्यूमेंट, उसके लिए आपको करना पड़ेगा लॉग इन अलग से होगा, वो आपको पता लग जाए। वो आप कैसे चेक करेंगे, एडवोकेट लॉग इन करके या एनरोलमेंट लॉग इन करके, डिफरेंट एडवोकेट लॉग इन या ऐसे करके एक साइट आएगी, उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं, या फिर मैं आपको बता देता हूँ जस्ट। जैसे ही आप कुरियर कर दोगे डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन स्टेटस पर लिखने के बाद आपको डिटेल आएगी, आपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने किया था वो लिखना पड़ेगा, और आपका फर्स्ट नेम ऑफ कैरेक्टर। ओके, अब वीडियो पे उस लिंक पर अपनी डिटेल्स फिल करोगे तो आपको तो ये आना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले होगा फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर रिसीव टू इनवर्ट नंबर, दिस हमें इस इनवर्ट नंबर से इस डेट को डॉक्यूमेंट मिल गए जो हमने कुरियर किए, आपने कुरियर किए वो बार काउंसिल राजस्थान को मिल गए, और फ्री डॉक्यूमेंट हमने वो डॉक्यूमेंट बोर्ड यूनिवर्सिटी को भेज दिए, आपका वेरिफिकेशन हो गया, आपकी रिपोर्टिंग पूरी हो गई, और लास्ट में आ जाएगा यू आर एनरोल्ड एज एन एडवोकेट, और आपको सेल फोन पर मैसेज भी आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा कंप्लीट होने में, 1.5 to 2 मंथ में आपका ये एनरोलमेंट नंबर आ जाता है, पर डिपेंड करता है बार काउंसिल की मीटिंग कब होगी, तो मीटिंग में ये अप्रूव करते हैं। और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने सेंड किए हैं, अराउंड 3 मंथ्स तो मान के चलो, विद इन 3 मंथ्स में ये कंप्लीट आपके पास आ जाते हैं। तो एक आपको एक बेसिक आइडिया हो गया, और इन्फॉर्मेशन जो है चेंज हो सकती है, देखो कुछ भी चीज़ अगर रह गई है तो आप कंफर्म कर लें। मैंने 95% मोस्ट प्रोबेबली 99 to 100% कोशिश की, ट्राई किया है, कोशिश की है इसको कंप्लीट करने की, जो आप तो लेटर लाकर होगा कुछ भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जो कि आप लोग कॉमन पीपल परेशान होते रहते हैं सर्च करते रहते हैं स्टूडेंट्स और वो। तो थैंक यू वेरी मच।